हाय गाइस, आज किस ब्लॉग में हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसा क्षेत्र कनेरा धाम। यहाँ पे एक क्षेत्र, यहाँ की एक अपनी अलग ही अपनी महिमा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है संक्रांति के टाइम पे, और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे एक नादिया घाट है। नादिया घाट पे यहाँ पे नादिया के मुँह में से 24 घंटे यानी वर्ष में पूरे 12 महीने यहाँ पे नादिया के मुँह से पानी निकलता है, जो कि एक अजूबा है। पता नहीं वो पानी कहाँ से निकलता है। कुंड में पानी जाने के बाद पानी अपने आप ही वहाँ पर शांत हो जाता है, पानी कहीं तक नहीं दिखता है। और भी बहुत से राज हैं इस जगह के। तो आज की इस ब्लॉग में हम आपको लेके चलते हैं ग्राम कनेरा के सिद्ध क्षेत्र में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सागर MP में पड़ता है। तो चलिए ये ब्लॉग हम शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लेकर। ये है वह स्थान जहाँ हजारों की तादाद में लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, और ये जो यहाँ पे संक्रांति के टाइम पर बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये कनेरा गौंड सिद्ध क्षेत्र सिद्ध बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इस धाम की अपनी एक अलग ही महिमा है, और यहाँ पे जो बाबा जी रहते हैं, बाबा जी के द्वारा यहाँ पे विशाल कार्यक्रम हुआ करते हैं, जिसमें भंडारा हुआ, भागवत कथा हुई, यज्ञ हुआ, ऐसे बहुत से प्रोग्राम यहाँ पे सालों भर होते रहते हैं। चलिए वो ख़ास स्थान, वो ख़ास जगह जो आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा कि नादिया के मुँह में से जल का आना, वो स्थान हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले। वैसे तो इस मेले का इतिहास में कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं मिलता, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह स्थान बहुत पुराना है। लेकिन लोगों के अभाव में अभी कुछ 10-15 साल से आया है। इस स्थान की एक अपनी अलग ही महिमा है। ये स्थान चारों तरफ से जंगल में घिरा हुआ है, सिर्फ एक ही तरफ से यहाँ पे आने और जाने का रास्ता है, और चारों तरफ आप जहाँ तक अपनी नज़रें फैलाएंगे वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। लेकिन महिमा कुछ ऐसी है कि आप भीड़ यहाँ पर देख रहे होंगे, घनघोर जंगल में भी यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए और मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। यह वह कुंड है जिसकी मैं बात कर रहा था। यह कुंड आप देख रहे होंगे, ये नादिया का मुँह है, यहाँ से ये जल आ रहा है। इस जल का कोई भी पता नहीं है, ये जल कहाँ से आ रहा है और कब से ये जल यहाँ पे आ रहा है। और जो आप नीचे कुंड देख रहे हैं, एक कुंड में हमेशा इतना ही पानी रहता है, ना तो यह पानी ऊपर आता है और ना यह पानी कभी सूखता है। ऐसी महिमा है कि आप साल के 12 महीने में कभी भी आप आएँ यहाँ पर तो आपको इसी तरह जलधारा यहाँ पर देखने को बहती हुई मिलेगी। ये जल कभी ना सूखता है, चाहे कितनी ही गर्मी का मौसम हो, ये जल कभी कभी कम नहीं होता, ना ही कभी सूखता है। और इस जल की ये महिमा है कि इसका आज तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये जल आ कहाँ से रहा है। अब जहाँ से जल आ रहा है, इसके ऊपर साइड भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि ये जल नीचे कितने नीचे तक है, और भी बहुत कुछ इस राज के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, उस साइड आप देख रहे होंगे नादिया के मुँह से जल आ रहा है, और इस साइड एक कुंड है यहाँ पे, जहाँ पे एक भगवान की प्रतिमा विराजमान की गई है, और ये नीचे आप जल देख रहे हैं। यही जल जमीन का जो स्तर है, उस स्तर का ये जल यहाँ पे देख आप रहे हैं, और यही जल उस साइड नादिया के मुँह से निकल रहा है। और इस जल का कोई पता नहीं है, और ना कोई आते जाते ये जल कहीं से भी नहीं दिख रहा है। और इस क्षेत्र की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, जो मेले का आनंद लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पे भगवान हनुमान जी महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये जो प्राचीन मंदिर है, जो हनुमान जी की मूर्ति है, इनकी एक अपनी अलग ही एक महिमा है, बहुत पुरानी और प्राचीन मूर्ति यहाँ पे है।
लोगों की आस्था कुछ ऐसी है कि भले ही कितना घनघोर जंगल हो और चाहे सड़क हो ना हो, लेकिन लोगों की आस्था उन्हें खींच लाती है यहाँ पर हर वर्ष इस संक्रांति के टाइम पर। और चलिए, ये तो आपने देखा यहाँ पे नादिया घाट। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, यज्ञ का प्रोग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, यज्ञ यहाँ पे समाप्त हुआ है। और बड़ी सुंदर जगह है यहाँ पे, हर वर्ष की तरह इस बार भी यज्ञ का कार्यक्रम हुआ था। और इस क्षेत्र के बारे में ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पोस्टर के थ्रू। और ये जो मंदिर है यहाँ पे, मेन द्वार बनाया गया है जहाँ पे दोनों साइड हनुमान जी की मूर्ति खड़ी हुई है। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मेला लगा हुआ है, किस तरह से यहाँ से भीड़ भाड़ है। और यहाँ पे रामलीला और भी ऐसे बहुत से प्रोग्राम साल में ऐसे होते रहते हैं जिन्हें देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। ये आप मेले का चारों तरफ का नज़ारा देख रहे हैं। अगर आप बचपन में मेला गए होंगे तो एक खेल तो आपने खेला ही होगा। इस खेल को देखें और याद करें वो पल जब आप मेला में जाके कुछ इस तरह के खेल आपने खेले होंगे। ये देख रहे होंगे कुछ जमीन पे यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह कुछ और भी वस्तुएं जमीन पे यहाँ पे रख दी जाती हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके हाथ में कुछ छल्ले वगैरह रहते हैं, वृत्ताकार वो दे दिए जाते हैं। छल्ले वहाँ से फेंकने पर जिस भी वस्तु के ऊपर छल्ला जाके पूरी तरह से सेट हो जाता है, वो वस्तु उस बच्चे उस पर्सन को दे दी जाती है। ये बड़े ही अच्छे खेल हैं और बचपन में शायद आपने भी खेले ही होंगे। तो भैया मैंने तो एक खेल खेला है। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।